नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कार्यरत हंगामी कर्मचारियों की ओर से उन्हें नौकरी में स्थायी करने की मांग कई वक्त से रखी जा रही है, लेकिन इन हंगामी कर्मचारियों को अभी तक स्थायी करने के मामले में कोई फैसला नहीं सुना गया है। ऐसे में आज संयुक्त कामगार समिति और संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति के भी प्रतिनिधियों के साथ ये हंगामी कर्मचारी जिला कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे। अधिक निवासी कलेक्टर कुलदीप सिंह झाला को आवेदन पत्र मुहैया करवाते हुए शिक्षा अधिकारी तक उनकी बात पहुंचाने की मांग उन्हें सभी कर्मचारियों की ओर से रखी गई। दरअसल इन कर्मचारियों की ओर से यह मांग लगातार की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी में स्थायी किया जाए और जितने भी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के स्थायी कर्मचारी है उनको जो भी लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ इन कर्मचारियों को मिलते हैं। बड़ौदाना तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन अने लोकल ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव तरीके अमे यूनियन लीडर्स कलेक्टर श्री ने आवेदन आपी रहा छे कि शिक्षण मंत्री द्वारा जे खोटो फतवा जारी करवामां आव्यो छे कि जे हंगामी कर्मचारी लगभग 25 थी 30 वर्ष थी यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है एवं कामदारों ने आ लोग एमना घरे मोकलीने एने काई भी न करता आउटसोर्स करीने बाहरना कर्मचारी ने फरी लावा मांगे छे एनो विरोध करवा माटे अने जे कामदारों जे यूनिवर्सिटी ने 800 कामदारों छे ए 800 कामदारों ने कायमी करवा जोईए अने तेमने पण बीजा कायमी कामदार जेटलो पगार आपवो जोईए एना माटे जे नी रजूआत शिक्षण मंत्री ने कलेक्टर श्री आपवा मांगे छे। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।